जहाजों का जीवन सख्त होता है। खतरे रो भरी सामुद्रिक परिस्थितियां, जहाज की बेसिक डिजाइन यानी कि इसकी मूल रचना और जंग लगने से बचाव के लिए किए गए इसके कोटिंग सिस्टम दोनों के लिए एक कसौटी है। हाल के वर्षों में संसार भर के जहाजी बेड़ों की औसत उम्र बढ़ी है। इसके साथ जंग से बचाव की समस्याएं भी। ज्यादा उम्र के जहाजों के हिस्सों को जंग से बचाने के लिए ऊंचे स्तर के रख रखाव की जरूरत होती है। टिकाऊ रख रखाव और भी जरूरी है क्योंकि बल्क कैरियर और टैंकरों के मामले में क्लासिफिकेशन सोसाइटियों ने व्यापक सर्वे प्रोग्राम के जरिए कड़े मानक लागू किए हैं। दुनिया भर में पोर्ट स्टेट कंट्रोल प्रोग्रामों में नियम अनुसार निरीक्षण भी शामिल है और स्थानीय नियमों का उल्लंघन करने पर जहाज को ही जब्त करने की खुली आज़ादी है। मौजूदा दौर में विवेकशील जहाज मालिकों को ऐसी कोटिंग चाहिए जो ज़्यादा टिकाऊ हो, अलग अलग तरह से सुरक्षा दे, साथ ही खरीदने और लगाने में कम खर्चीली भी हो और यह जहाज की कार्यकुशलता और बाहरी हुलिये को और अच्छा करे। अपने उत्पादकों की विशाल रेंज और दुनिया भर में सुव्यवस्थित डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए इंटरनेशनल पेंट इन शर्तों पर खरा उतरती है। जहाज के हर किस्से की मरम्मत की अपनी मांगे हैं। पानी के ऊपर जहाज का बाहरी हिस्सा यानी हल, छत यानी डेक, सुपरस्ट्रक्चर, कार्गो गोदाम या होल्ड, डेक की खिड़की के कवर और जहाज की मेन, कार डेक, इंजन रूम, स्टोर्स और बैलेस्ट टैंक। उदाहरण के लिए वाटर बैलेस्ट टैंक में की गई कोटिंग ऐसी हो जो लंबे समय तक खारे पानी और नमीयुक्त मौसम से लगने वाली जंग से इसे पूरी तरह बचा सके। व्हाइट सुपरस्ट्रक्चरों में पीलापन पड़ने से बचाव जरूरी है। बहरहाल इसकी कोटिंग ऐसी हो जो सख्त सामुद्रिक परिस्थितियों का मुकाबला कर सके जिनमें समुद्री जीवन में रोज रोज पाला पड़ता है। जंग से बचाव के लिए हाथ पहुंच सके ऐसी सभी जगहों की कोटिंग के लिए मेंटेनेंस शेड्यूल की एक सूझबूझ भरी रूपरेखा बना लेनी चाहिए क्योंकि वर्तमान की प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों में ये कोटिंग लंबे समय तक तो चले ही, साथ कम खर्चीली भी हो। इंटरनेशनल पेंट देती है ऐसी ही कोटिंगें जो सतह बनाने के झंझटों को कम करे, खर्च में भी कम बैठे और ड्राई कोडिंग और बंदरगाह में क्रू का काफी समय बचाए। असरदार ऑन बोर्ड मेंटेनेंस के लिए जरूरी है कि जरूरियाती विभिन्न चरणों का पालन किया जाए जिससे कोटिंग लंबे समय तक चले। इस वीडियो का उद्देश्य सतह बनाने से लेकर लगाने और लगी परत को जांचने की कोटिंग प्रक्रिया के पहलुओं पर प्रकाश डालना है। गेट इट राइट में चरण तक चरण समझाकर तथा बताए गए सभी चरणों पर अमल कर ऑन बोर्ड कोटिंग सिस्टम पर लगाए गए वक्र का पूरा पूरा फायदा उठाया जा सकेगा। ऑन बोर्ड मेंटेनेंस शुरू होता है प्रोग्राम की रूपरेखा बनाकर। इसमें शामिल है कोटिंग की किस्मों की जांच जो जहाज के बड़े हिस्सों की सुरक्षा में उपयोगी है, जैसे कि डेक, कार्गो होल्ड, सुपरस्ट्रक्चर, इंजन रूम और वाटर बैलेंस टैंक। ऑनबोर्ड मेंटेनेंस चार्ट से यह जांच ले कि आपको जहाज के किस हिस्से को पेंट करना है, उसके लिए कौन सा उत्पाद ठीक रहेगा। ओबीएम चार्ट की प्रतियां पेंट लॉकर, जहाज के प्रमुख अधिकारी और बंदरगाह में सुपरिटेंडेंट के कार्यालय में रखी जानी चाहिए जिससे हर अलग अलग काम के लिए सही सिस्टम ही अमल में लाया जा सके। पेंट लॉकर में आसानी से समझी जाने वाली एक लॉग बुक रखने से यह सावधानी भी बनी रहेगी कि एक बार पेंट हो चुके क्षेत्र को ना ही कोई अन्य क्रू दोबारा पेंट नहीं करेगा। पेंट करने वाले क्षेत्र के लिए पेंट की जरूरी मात्रा स्टोर से ले लें। कुछ पेंट सिंगल पैक के होते हैं, कुछ ट्विन पैक के, जिसमें दो कॉम्पोनेंट यानी हिस्से होते हैं, पहला बेस और दूसरा क्योरिंग एजेंट या कन्वर्टर। इन्हें इस्तेमाल से पहले आपस में अच्छी तरह मिक्स करना जरूरी है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि इस्तेमाल के लिए लिए जाने वाले किसी भी ट्विन प्रोडक्ट के बेस और क्योरिंग एजेंट की आप सही कॉम्बिनेशन लें। अलग अलग पेंटों के लिए सतह यानी स्टील सरफेस अलग अलग स्तर पर तैयार करनी चाहिए। जांच लें कि काम के मुताबिक आपके पास जरूरी औजारे हों। इसमें ये औजार लगते हैं, चिपिंग हैमर, स्क्रेपर, वायर ब्रश, नीडल गन, डिस्क सैंडर, ज्यादा बड़े कामों के लिए अब्रेसिव ब्लास्टिंग या हाइड्रो ब्लास्टिंग यूनिट है। पेंट लगाने के लिए आपको चाहिए ब्रश,
रोलर या स्प्रे इक्विपमेंट और इस्तेमाल के बाद इन औजारों को साफ करने के लिए भरपूर इक्विपमेंट क्लीनर, जिससे भविष्य में ये इस्तेमाल लायक बने रहे। किसी भी पेंट जॉब को शुरू करने से पहले उचित कैन लेबल, टेक्निकल डेटा शीट और मटेरियल सेफ्टी डेटा शीटों को अच्छी तरह पढ़ना, समझना और उन पर लिखे निर्देशों का पालन जरूरी है। इन जानकारी से आपको उत्पाद की विशेषताओं का पता चलता है, जैसे कि सूखने और ओवर कोटिंग में लगने वाला समय। उत्पाद को सुरक्षात्मक तरीके से इस्तेमाल करने के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की जानकारी, साथ ही स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सामान्य जानकारी भी। अगर आप कंटेनर लेबलों को पढ़ या समझ न सके, या टेक्निकल और मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट आपको न मिल सके, या लेबलों और डेटा शीटों पर दी गई जानकारी आप समझ न सके, तो ऐसे पेंटों का इस्तेमाल न करें। जांच लें कि ऐसी जगहों पर जहां आपको ये काम करना हो आप सही सलामत पहुंच सके, चेतावनी सूचनाएं तथा जरूरी रुकावटें अपनी अपनी जगह लगी हो, जिससे काम के क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश को रोका जा सके। व्यक्तिगत सुरक्षा के सभी साधन आपके साथ हो। काम के दौरान सही प्रकार के निर्धारित प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमेशा ही पहने रहे। उचित पोशाक, मास्क, गोगल, सेफ्टी बूट, ग्लव और हार्ड हेड तो कम से कम अवश्य ही पहने हुए हो। अब्रेसिव ब्लास्टिंग और हाइड्रो ब्लास्टिंग में एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव क्लोथिंग लगते हैं। गंभीर चोट न लगे इसीलिए उन्हें अवश्य पहने। इक्विपमेंट निर्माता की सिफारिशों का पालन हमेशा करें। ये जानना महत्वपूर्ण है कि मौसम, विशेषकर तापमान या वर्क का पेंट की मूल प्रकृति पर गंभीर असर पड़ता है। टेक्निकल डेटा शीट से आपको उपयोगी जानकारी मिलेगी, जिसे कि टच ड्राई, हार्ड ड्राई और ओवर कोटिंग टाइम। टू पैक पेंटों के मामलों में वर्किंग लाइफ या पॉट लाइफ का ध्यान सावधानीपूर्वक रखना चाहिए। अगर एक बार इन दोनों अवयवों का आपस में मिला दिया जाए तो जरूरी हो जाता है कि इस पेंट को पॉट लाइफ की समय सीमा के भीतर ही काम में ले लिया जाए। अगर ऐसा न किया गया तो पेंट फिर काम का नहीं रह जाता। अंत में यह देख लें कि इक्विपमेंट क्लीनर कौन सा लगेगा। यह जानकारी टेक्निकल डेटा शीट में मिलेगी। जॉब प्लानिंग स्टेज पूरी हो जाने पर कुछ ऐसे चरण हैं जिनका पालन कामयाब कोटिंग के लिए जरूरी है। ये हैं स्क्रैपिंग, डीग्रीसिंग, धुलाई, स्टील सरफेस की तैयारी और फेदरिंग, धूल कचरा निकलना, सतह की नमी निकालना, कोटिंग और मोटाई यानी ड्राई फिल्म की थिकनेस मापना। चरण एक, स्क्रैपिंग और चिपिंग। स्क्रैपर या चिपिंग हैमर से उखड़ा हुआ पेंट, पपड़ी या जंग तब तक निकाले जब तक कि पक्की सतह दिखाई न देने लगे। स्क्रैपर से काम लेते वक्त बढ़िया परिणाम के लिए स्टील सतह पर लगभग 45 डिग्री पर हल्का हाथ चलाना चाहिए। चरण दो, डीग्रीसिंग यानी चिकनाई हटाना। सतह से सभी तरह की चिकनाई, तेल, धूल और जमावट को साफ करें। मशीनरी के गिर्द ऐसे सभी हिस्सों पर खास ध्यान देना चाहिए जहां बहता हुआ तेल, ग्रीस या हाइड्रोलिक तरल जमा रहता है। पहले अप्रूव्ड क्लीनिंग एजेंट में ताजे साफ पानी की उचित मात्रा मिक्स करें। इसके लिए मैल निकालने वाला घटक ऐसा हो जो प्रदूषण न फैलाए। जमावट पर इस धूल को डालें, फिर सतह की इस जमावट को साफ ताजे पानी से धोकर अच्छी तरह निकाल लें। साफ की गई जमावट को आप सतह से इर्द गिर्द पड़ा न रहने दें। तेल, ग्रीस या जमावट को ठीक तरह साफ न किया जाए तो पेंट सतह को ठीक से पकड़ेगा नहीं और इसके उखड़ जाने जैसी समस्या पैदा हो जाएगी। चरण तीन, वॉशिंग यानी धुलाई। पेंट करने वाले पूरे हिस्से को साफ पानी से धोए। खारी को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। अगर ऐसा न किया जाए तो समय से पहले ही पेंट की परत उखड़ना शुरू हो जाएगी। सभी तरह के पेंटों में 95% तक पेंट उखड़ने की समस्याओं का मूल कारण है खारापन, नमी या तेल का लगा रह जाना।
इसलिए खारेपन धूल और तेल को पेंट करने वाली सतह से खूब सारे साफ पानी से तब तक धोना जरूरी है जब तक कि ये पूरी तरह निकल ना जाए। चरण चार, सरफेस यानी सतह बनाना। सतह को बनाने का मकसद है इसमें लगी जंग को ज्यादा से ज्यादा निकालना और बची हुई कोटिंग की सतह को ऐसा बनाना कि पेंट अच्छी तरह लग सके। मेटल सरफेस को पेंटिंग के पहले अच्छी तरह बनाया न गया तो पेंट लगाने के बाद थोड़े ही समय में रस्ट रेश यानी फफोले निकलने शुरू हो जाएंगे। जंग निकालने के लिए डिस्क सैंडर या पावर वायर ब्रश बढ़िया होते हैं। साबुन कोटिंग के आसपास की जगह को फेदरिंग करने के लिए ये बढ़िया सतह बनाते हैं। सतह बनाते समय जरूरी है कि स्टील सरफेस को पॉलिश न करें, इससे सतह पर पेंट की पकड़ कमजोर रहेगी। पहले का लगा हुआ पेंट कई परतों तक गहरा हो सकता है। स्पॉट रिपेयर के किनारों को 50 मिलीमीटर तक की दूरी से फेदरिंग यानी इस पर ओवरलैप एरिया बनाया जाता है। इससे तैयार किए स्पॉट और आसपास की जगह को फेदरिंग पर पूरा ध्यान न दिया जाए तो भविष्य में यह महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि फेदरिंग ठीक न हुई हो तो ऐसी जगहों पर पेंट की पड़क कमजोर रहेगी जिससे आगे चलकर यह उखड़ जाएगा। पावर टूल से स्टील सरफेस पर खड्डे न पड़े इसलिए उसे ज़्यादातर हल्के हाथों से चलाएं। ऐसा करने से सतह बहुत ज़्यादा खुरदरी या रफ नहीं होगी। जंग की पपड़ियों या फफोलों को छोटी जगहों से निकालने के लिए वायर ब्रशिंग या पावर वायर ब्रशिंग का इस्तेमाल करें। जहां हाथ न पहुंच सके ऐसी असमलत सतहों और कोणीय जगहों के लिए नीडल गन इस्तेमाल की जा सकती है। इसे मजबूती से पकड़े लेकिन ध्यान रहे यह मेटल सरफेस में घुस न जाए, नहीं तो स्टील में उबड़ घाबड़ खड्डे पड़ जाएंगे और ये कोटिंग सही ढंग से पकड़ नहीं सकेंगे जिससे जंग फिर लग जाएगी। फोटोग्राफिक सरफेस प्रेपरेशन रेफरेंस स्टैंडर्ड्स। मैकेनिकल प्रेपरेशन, अब्रेसिव ब्लास्टिंग और हाइड्रो ब्लास्टिंग के अलग अलग स्तरों के लिए उपलब्ध है। जहाज पर ये फोटोग्राफिक स्टैंडर्ड इस तरह रखे जाए कि सतह बनाते समय निर्धारित स्टैंडर्ड प्राप्त करने के लिए इनका संदर्भ आसानी से उपलब्ध हो। अलग अलग पेंट सिस्टम के लिए जरूरी सतह बनाने के स्तर की विशेष जानकारी टेक्निकल डेटा शीट में दी गई है। इस विषय पर और ज्यादा जानकारी आपके इंटरनेशनल पेंट प्रतिनिधि से भी मिल सकेगी। मेटल सरफेस को तैयार करने में मोटे तौर पर तेज रफ्तार और सबसे ज्यादा असरदार तरीके दो है। अब्रेसिव ब्लास्टिंग या हाइड्रो ब्लास्टिंग दोनों ही तरीकों से कम समय में स्टील की ज्यादा बड़ी जगह को तैयार किया जा सकता है। दोनों तरीकों से सतह ऐसी हो जाती है जिस पर पेंट की पकड़ टिकाऊ हो। OBM रिपेयर में असरदार तरीके से सतह बनाने के लिए विशेष रूप में हाइड्रो ब्लास्टिंग तकनीक ज्यादा लोकप्रिय होती जा रही है। ओपन ग्रिट या शॉर्ट ब्लास्टिंग के मुकाबले पर तकनीक पर्यावरण को दूषित नहीं बनाती, इससे अब्रेसिव डिस्पोजल प्रॉब्लम पैदा नहीं होती और इसे ऐसी जगहों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है जहां अब्रेसिव का चूरा पड़ा रह जाने से गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाती है। ऐसी जगहों में प्रमुख है छत पर लगी मशीनरी की इर्द गिर्द के हिस्से। इस तकनीक से सतह काम लायक हो जाती है और इसमें मौजूद खारी की मात्रा भी हल्की हो जाती है। हाइड्रोब्लास्टिंग या अब्रेसिव ब्लास्टिंग अच्छी तरह प्रशिक्षित और ऐसे कुशल ऑपरेटर जो उपकरण के सुरक्षित इस्तेमाल में निर्माता के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें द्वारा ही होना जरूरी है। किसी भी हालत में आप हाइड्रोब्लास्टिंग या अब्रेसिव ब्लास्टिंग उपकरण को किसी प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर से पूरा प्रशिक्षण लिए बिना बिल्कुल न चलाएं। आपके साथ जरूरी सभी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होने की आवश्यकता है। चरण 5, धूल मिट्टी कचरा वगैरह निकालना। पूरी तरह तैयार सतह पर बची धूल और कुछ कण इतने छोटे होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते। इन्हें अगर सतह पर पड़ा रहने दिया जाए तो उनके कारण पेंट उखड़ेगा, इसलिए सतह को कई कई बार ब्रश से रगड़कर साफ करें या उन्हें निकालने के लिए वैक्यूम क्लीनर का सहारा लें। देख लें कि यह कचरा ठीक से फेंक दिया गया हो।
नहीं तो ये उखड़कर बाद में गीले पेंट पर आ चिपकेगा। वातावरण को सुरक्षित रखने में अपनी जिम्मेदारी समझें। चरण 6, सतह का नमी से बचाव। ये बेहद जरूरी है कि पेंट की जाने वाली सतह से नमी निकाली जाए पूरी तरह। बारिश की बूंदों या खारे पानी के स्प्रे पर पेंट हरगिज न करें। ऊपर से सूखी दिखाई देती सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं, उसे ड्यू पॉइंट कहते हैं। अगर इस पर पेंट किया गया तो सतह की नमी के कारण काफ़ी जगह से पेंट की पपड़ियाँ उखड़ने लगेगी, या बाद में जब स्टील का तापमान ड्यू पॉइंट यानी आसपास के तापमान से 3 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री फ़ारेनहाइट के भीतर हो, या फिर उस तापमान पर जिस पर हवा में नमी जम जाए, तो यह बूंदें स्टील पर उभर जाती है। इसे किसी आम उपकरण से मापा जा सकता है, जैसे कि सरफेस टेम्परेचर गेज, व्हर्लिंग हाइग्रोमीटर या ड्यू पॉइंट कैलकुलेटर। पेंट पूरी तरह उखड़ सकता है, यह पक्का करने के लिए कि पेंट करने लायक जगह सूखी हुई है, स्टील के सरफेस टेम्परेचर को जांच ले। हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करें, ड्यू पॉइंट कैलकुलेट करें, और अगर स्टील का तापमान कैलकुलेट किए हुए ड्यू पॉइंट से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा हो तो ही पेंट लगाना शुरू करें। चरण 7, पेंट लगाना। पेंट लगाना शुरू करने से पहले आप एक बार फिर जांच लें कि हाथ के काम को निपटाने के लिए आपने सही पेंट की उचित मात्रा ले ली है। सावधानी पूर्वक देख लें कि हाथ के काम के लिए कौन सी पेंट सामग्री जरूरी है। अगर गलत पेंट इस्तेमाल कर दिया जाए या प्राइमर और फिनिश का सही क्रम सिफारिश के मुताबिक नहीं किया जाए तो पेंट उखड़ना या डिटैचमेंट, जूरिया पड़ने यानी रिकलिंग, तिड़कने या फटने यानी क्रैकिंग की नौबत आ सकती है, जो आगे चलकर उखड़ने यानी स्प्लिटिंग और ज़्यादा जंग लग जाने और मरम्मती काम को बुलावा दे सकता है। डिब्बा खोलने से पहले लेबल पर छपी स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस पर अमल करें। तब ढक्कन को साफ करें, जिससे डिब्बा खोलने पर ढक्कन पर जमा धूल और कचरा पेंट में गिर न जाए। अगर पेंट काफी समय से रखा हुआ हो तो पेंट के हल्के तत्व ऊपर तैरने लगते हैं, जरबा के भारी वाले डब्बे के तले में। ऐसा होने पर पेंट को इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाना जरूरी है। इसके सभी तत्व आपस में पूरी तरह मिल जाते हैं। पेंट को पावर एजिटेटर से ही हिलाएं। टू पैक उत्पादों के इस्तेमाल में पेंट फालतू न जाए, इसलिए हाथ के मौजूदा काम में लगने वाली उचित मात्रा ही मिक्स करें। पहले बेस को हिलाएं, फिर क्योरिंग एजेंट की उचित मात्रा को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक बेस में मिलाएं। बेस और क्योरिंग एजेंट या कन्वर्टर को एक साथ तब तक मिलाएं जब तक कि धूल एक सार न हो जाए। अब जो हिस्सा पेंट करना हो उसके लिए सही उपकरण ले लें। छोटे हिस्सों या ऐसी जगहों में जहां हाथ ठीक से न पहुंच सके या फिर स्प्रे न किया जा सके, पेंट ब्रश सबसे बढ़िया रहेगा। आप तौर पर ब्रश या रोलर से लगाने पर 40 से 60 माइक्रोकोन की परत चढ़ती है, इसलिए परत की सही मोटाई के लिए कई कई बार परत चढ़ानी पड़ती है। बड़े हिस्सों में पेंट करने के लिए स्प्रे करना सबसे कुशल तरीका है। इस तरीके से पेंट करने में ध्यान देने लायक बात यह है कि लगाने योग्य पेंट के लिए एयर प्रेशर और स्प्रे गन टिप के साइज ठीक हो। उत्पाद तकनीकी डेटा शीटों में पूरी जानकारी दी गई है। याद रखें, स्प्रे एप्लीकेशन इक्विपमेंट काफ़ी हद तक खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे इक्विपमेंट स्प्रे गन टिप पर हायर प्रेशर बनाते हैं। अगर इसे निर्माता द्वारा बताए निर्देशों के मुताबिक इस्तेमाल न किया जाए तो गंभीर शारीरिक चोट पहुंचा सकते हैं। पेंट के लिए जहां तक हो सके लंबाई में 13 मीटर या 97 फीट से ज़्यादा लंबे पाइप का इस्तेमाल न करें। इससे लंबे पाइप में फंसकर फ्लूइड का जरूरी प्रेशर टूट जाता है। पंप से स्प्रे गन में भारी प्रेशर के कमजोर हो जाने से पेंट जमने के गुण बेअसर हो जाते हैं। काम पूरा हो जाने के बाद भी काफ़ी सारा पेंट लंबे पाइप में बचा रह जाने से पेंट फालतू चला जाता है।
इंटरनेशनल पेंट के उत्पाद इस तरह बनाए गए हैं कि उन्हें थिनर मिलाए बिना डिब्बे से सीधे ही काम में लिया जा सकता है। थिनर को सिर्फ इसलिए ही नहीं मिलाना चाहिए कि हल्के ढंग से मेंटेन किए उपकरणों जैसे कि स्प्रे गन टिप में टूटफूट, अकुशल पंप, हवा की आधी अधूरी सप्लाई या कमजोर मिक्सिंग इक्विपमेंटों को चलाने लायक बनाया जा सके। समस्या को जड़ से निकालना चाहिए, सभी उपकरण को काम की अच्छी हालत में बनाए रखें। कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम ताप पर पेंट लगाना हो या लंबे पेंट पाइप के इस्तेमाल के बिना काम न चले तो थिनिंग की जरूरत होती है जिससे पेंट आसानी से लग सके। पेंट को अगर पतला करना हो तो उत्पाद संबंधित डेटा शीट में लिखी सिफारिशों का पालन करें। इसमें सही टाइप और मिलाने के लिए थिनर की मात्रा जैसी जानकारियाँ शामिल है। ज़्यादा से ज़्यादा 5% मात्रा आमतौर पर सिफारिशी उच्चतम मात्रा है। थिनर की मात्रा को कम करने के लिए एक बार में 1% से ज़्यादा मात्रा न मिलाएं। इसे तब तक हिलाते रहें जब तक कि पेंट स्प्रे करने लायक न हो जाए। ध्यान रहे पेंट के गुणधर्म जैसे कि होल्डअप, साथ ही फैलने की दर या लगाए जाने वाले पेंट के प्रति लीटर क्षेत्र पर थिनर मिलाने से असर पड़ सकता है। स्प्रे करते समय नोजल को 90 डिग्री कोण पर उधर से इधर घुमाते हुए सतह के एक जैसी दूरी बनाए रखें। हमेशा हर पास के बाद स्प्रे गन के ट्रिगर को रिलीज करना न भूलें। इससे पेंट की मोटाई एक जैसी बनेगी और सीधी खड़ी सतह पर ऊपर ही ऊपर लगाने से ज़्यादा ही मोटाई के कारण रेले आने का खतरा नहीं रहेगा। चरण 8, मोटाई की जांच। सूखी परत की मोटाई सिफारिशी मोटाई के बराबर है या नहीं, यह मापने के लिए पेंट लगाते समय ही किसी सपाट सतह पर वेट फिल्म थिकनेस गेज की सहायता से गीले पेंट की मोटाई माप लें। यह पक्का कर लें कि पेंट में सही गहराई आ गई है या नहीं। ध्यान रहे कि कोटिंग का मकसद ही है जहाज में भीतरी और बाहरी दोनों जगह पर। पेंट अगर पतला लगाया जाए तो कुछ दिनों बाद ही जंग लगना शुरू हो जाएगा। बार बार पर्त लगाकर पेंट अगर गाढ़ा लगाया जाए तो सूखने में समय लगेगा और पर्त में रेले जैसी खराबियां पैदा हो जाएगी। ज़्यादा लगाने से जहाज के पेंट स्टोर से पेंट भी फालतू खर्च होगा।